जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये देखिए गुड्डू सर ने किस तरह से सांपों का रेस्क्यू करते हैं, बहुत ही डेंजरस रेस्क्यू किया है इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कॉपी मत करिएगा किसी सांप को पकड़ने के लिए, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यह एक काम एक्सपर्ट की होती है, सांप को पकड़ने के लिए हर कोई नहीं कर सकता है। इसकी वजह से मैं कई वीडियो में ये चीजें मैं जरूर कहता हूँ कि आप लोग सांप को पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकती है, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट की होती है, हर कोई नहीं कर सकता है, इसकी वजह से सांप को मत पकड़िएगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरया सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के हरदसई रामपुर गाँव से आया है और यहाँ पर घर के अंदर कोई सांप देखा गया है। ऐसे में बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए चल के देखते हैं कहाँ पे और कौन सा सांप, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या डर गए हैं, मतलब सांप देखे तो दहशत हो गई, पूरा आदत गल हूँ, एकदम दिमाग ना काम करा तुम क्या सांप से, अरे इतना डर गए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने ये चाचा जी सांप की वजह से सदमे में आ गए हैं, मतलब लोग ऐसा कहना है कि इनका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है, सांप जो है वो इनके ऊपर ही गिर गया, ऐसे में बहुत ज्यादा डर गए हैं। तो हम लोग सांप को रेस्क्यू करेंगे और इनके डर को भी कम करने का प्रयास करेंगे ताकि इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हो। किधर है बताइए, भाग गए हाँ, क्रिटिकल तो काफी ज्यादा है। शूज के बाद चढ़ पाएंगे इस पे, सीढ़ी आ रही है, सीढ़ी से चढ़ा, सीढ़ी का छोटी है, सीढ़ी छोटी है, सीढ़ी का और दोनों का सपोर्ट लेके चढ़िए, सीढ़ियां लगा देना चाहिए, सीढ़ी सपोर्ट से वहां तक चढ़ के फिर उस पे चढ़ जाए। हाँ ठीक ठीक, बहुत सारा भारी है, बहुत भारी नहीं है, इतना कहा बस इतना पतला सा तो सांप है। अरे तमाने का तो उतना में पूरा हो गई ना, देखिए इधर ही बैठा हुआ है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सांप जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखा दिखा, हाँ इधर बाहर से दिखा, और ये एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप है। कोई जरूरी नहीं है, परेशान बता रहे हम लोग, खराब कपड़ा इसलिए मांग रहे हैं, कपड़ा ना खराब होने, तो कपड़ा तो ये भी लग जाएगा, फिर आप लोग निकाल भी लीजिएगा बाद में। वो बंद हो जाता तो समस्या खत्म रहता, इसे बहुत जगह निकला ला, इसे सांप एम जाके बैठ जाए ना, मतलब हम लोग बहुत जगह इसे रेस्क्यू करी ला। ये भैया ज्यादा मोट हो कलिया, एक जगह कल गोजिया दे रहा तेरी मारा गोजिया दे रहा, हाँ दिखा दिखा, अच्छा आ गया रहा, दिख रहे दिख रहे, एक आग लोग ना होते तो अंदर बाबा के पास रहिए, क्योंकि फिर अगर अंदर गिर जाएगा तो उनको दिक्कत हो सकता है। बाहर निकल गए, अच्छा ठीक, इस सांप का रेस्क्यू काफी ज्यादा विपरीत परिस्थिति में करना पड़ रहा है। पहले तो सांप काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में छुपा हुआ है, मतलब इस करकट के नीचे छुपा हुआ है और एक ही रास्ता है सामने से इसको बाहर निकालने के लिए, और हम लोग भी पेड़ के ऊपर खड़े होकर के इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, ऐसे में दोनों तरफ से रिस्क बना हुआ है, इसलिए हम लोग कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सुरक्षित ढंग से इसे रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। Please stop.
निकल दिया तो मर गए हो और फाइनली काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद इसे सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू किया जा चुका है। इसे अभी हम लोग यहाँ से नीचे लेके चलेंगे और यहाँ पर मौजूद लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे तथा उन बाबा जी का डर भी कम करने का प्रयास करेंगे जो इस सांप की वजह से सदमे में आ गए हैं। उसके बाद हम लोग इसे इसके अनुकूलित वातावरण में ले जाकर के रिलीज कर देंगे। आराम सीढ़ी में पकड़िए। कहाँ गए चाचा जी? उनको नीचे चल के दिखाते हैं। नीचे चल के दिखाते हैं। नहीं काम करे, देख लेंगे तो एकदम भूल जाएंगे। अरे नहीं, उनका डर खत्म करना है। डर खत्म करना नहीं, से दिक्कत नहीं। उनको बता देना कि चाचा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ है वो बाबा जी जिनको बाइट किया था? अरे जिनके ऊपर गिरा था मतलब। चाचा जी देख लीजिए, आइए आइए आप पास आइए। अरे डरिए मत, आइए। मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी आपको? निकलता तो हम छोड़ नहीं दिया कर रहता हाँ रहता घरों में। लेकिन क्या आपको क्या दिक्कत है इससे? अरे दिक्कत तो हम लाना हाँ अब दिक्कत नहीं है ना? लेकिन वो तो ऊपर था। अरे झन 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 कपार चले बाबा आप ठीक है, आप जान लीजिए उतना खतरनाक नहीं तो बाबा सांप जितना हम लोग को बताया गया है। सांप हो मत डरिए, बस केवल दूरी बना के रहिए, केवल 5 से 6 फीट की दूरी बना के रहिए बस। ये आपको दौड़ा के कोई भी सांप नहीं काटेगा, जब तक ये दबेंगे नहीं तब तक आपको काटेंगे नहीं। अरे जा चलिए चलिए पैक करते हैं। ठीक है ठीक। अभी आप लोग सब लोग इसको पहचान रहे हैं ना? अगर कोई नहीं पहचाना डाउट है तो पूछ सकता है। पूछ सकते हैं। क्या भैया ये कौन सा सांप है? इसको हिंदी में नाक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, और कहीं कहीं इसको खरीज भी कहते हैं। जेवन भी इसी को कहते हैं। और ये जो है इसके जो अंदर वेनम होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। बस ये जान लीजिए आप लोग, अगर कभी भी ऐसा स्नेक बाइट हो तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। कोई तंत्र मत नहीं, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर अपने हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेगा। अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ मतलब आप लोग सांपों को बहुत बढ़िया से पहचान रहे हैं और बिना जहर का काटा है कंफर्म है, तब डॉक्टर के पास नहीं भी आएंगे तभी काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, लेकिन एक काटेगा तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है बगैर देर किए। नजदीक से नजदीक हॉस्पिटल, ये जहरीला सांप है। हॉस्पिटल के अलावा कोई भी जान नहीं बचा पाएगा। कोई तंत्र मत नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई सती माता के यहाँ नहीं। और सांप ऐसे किसी को दौड़ा के काटते भी नहीं जब तक उनको मतलब खतरा नहीं महसूस होता? नहीं, तब तक नहीं काटेगा। बस यही जान लीजिए। ये इतना चमकीला क्यों है? केचुल निकालेगा तो जब जैसे आप नहाते हैं तो ऐसे ही अपना कपड़ा जब उतारते हैं ना तो लाइट है, मतलब ये हाल में ही निकाला है। और आप लोग देख सकते हैं बड़े ही आसानी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद ब खुद इस बैग के अंदर चला गया। रेस्क्यू करने के बाद बिना वक्त गवाए हम लोग यहाँ पर सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है क्योंकि ये जंगल वाला एरिया है, ऐसे में इधर इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है, जिससे कि सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है उसको हम लोगों ने यहाँ पर रिलीज कर दिया है और ये काफ़ी तेज़ी से अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिखा दिया है, आप लोग देख ही चुके होंगे किस तरह से सांपों का रेस्क्यू किया गया है। इस वीडियो में बहुत ही डेंजरस रेस्क्यू किया गया है जो कि कोबरा सांप है। दोस्तों यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि और लोग देख सकें, और बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी अंधविश्वास भरा हुआ है तो धीरे धीरे दूर हो जाए। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।